मंच पे आए हम तुम्हारे साथ सम्मानीय बुजुर्गों का सम्मान शुरू हो चुका है। नौजवान साथियों, सुनीता मेरी धर्मपत्नी और इस गांव की सरपंच मुनी देवी, माता और बहनों, बेटियों, मेरे साथ इस कैंपेन में चल रहे हमारे उप प्रधान फगेड़िया जी, विधानसभा प्रभारी जी, मंच पर बैठे धर्मपाल जी मेघवाल पूर्व पंचायत समिति प्रधान, जगदीश जी लोर पूर्व सरपंच, मेवा सिंह जी पूर्व सरपंच साहब तैयड़, जयप्रकाश जी शर्मा और हमारे लीलू जी मेहरिया साहब, मंच पर बैठे हमारे साथी बलवान शाह और हमारे साथी मदन जी जांगीर सरपंच कड़ाऊ, और मेरे साथ इस कैंपेन में चल रहे अनेक जनप्रतिनिधि साथी, कार्यकर्ता साथी, गणमान्य नागरिक साथी, आज मलखेड़ा की सभा है। इस गांव में मैं पैदा हुआ और 20 साल 23 साल पहले बार एक मीटिंग करी युवाओं को लेकर। 23 साल पहले मीटिंग करी, उस समय मुद्दे थे कॉलेज, मुद्दे थे स्कूल, मुद्दा था ग्राउंड, मुद्दा था शमशान भूमि की सही भूमि। उस समय सहयोग से बाबूजी एमएलए थे। पहला झगड़ा हुआ गांव में, शमशान भूमि की चार दीवारी गलत निकाली जा रही थी। गांव के 200 युवा इकट्ठे हुए, मेरी एलएलबी फाइनल ईयर थी। मैंने कलेक्टर को कहा, मैं नेता होता था उन विद्यार्थियों का, मेरे साथ 2000 युवाओं के जुलूस चलते थे, मैं युवाओं का विद्यार्थियों का दबंग नेता था। मेरे को कलेक्टर ने कहा कि सारे काम कलेक्टर थोड़ी करता है, कुछ तुम भी करो। गांव के छोरे पड़े टूट के, चार दीवारी गलत निकली हुई थी, धड़ाम देशी गिर गई, दो छोरों पर FIR दर्ज हुई, एक मेरे पर एक विनोद चलता पर। ये जब पहले माला डाल के गए, बड़े बड़े परिवारों के धनी थे, छोरे तो इनके ज्यादा थे, FIR दो पर हुई, बाबूजी एमएलए थे, FIR लगी। हम रोज कैंटे लेके जाते प्रदर्शन करने, FIR लगी। मुझे पता चल गया रोड़ा कहाँ है, बाबूजी का पतन हो रहा था, बाबूजी पूरी तहसील में बदनाम हो चुके थे, चोड़ पाए तक खुलाने के चक्कर में। वो अपने अपने आदमियों को राजी कर रहे थे, झूठे मशरूम खुआ करके। उन्होंने उन घरों का विकास नहीं करा, उन घरों का विनाश कर दिया। उस समय जो सरपंच थे मलखेड़ा के, वो घर चढ़ाई पर था, बाबूजी का हाथ पकड़ा, पतन हो गया। उनको अभी तक 23 साल में समझ में नहीं आई कि तुम जिस नेता के पास बैठते हो, तुम्हें चोरी और बेईमानी सिखाता है। बलवान पुनिया ने 23 साल में किसी भी साथी को और किसी भी छोरे को न तो बिगड़ने दिया, ना बेईमानी सिखाई और ना चोरी सिखाई, किसी को कल्तरा नहीं बनाया। सबसे ज्यादा काम का नोटिस मिला है मलखेड़ा के सरपंच को और सबसे कम बजट दिया है मैंने। सबसे ज्यादा काम का नोटिस मिला है दिलबाग सरपंच को, सबसे कम बजट दिया है मैंने। नरेगा में डोर टेल करके काम करा है, दुनिया भर का काम करा है। नेता वही बचेंगे जो जनता को साथ लेके काम करेंगे। नरेगा में काम वही सरपंच कर पाएगा जिसका जनता में माजना ठीक है, जिसको जनता मस्ट्रोल दे दे। मेरे ऐसे ऐसे 5-7 सरपंचों को नोटिस मिले हैं कि तुमने काम ज्यादा कर दिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बलवान पुनिया, बाबूजी के सरपंच मलखेड़ा में रगड़े जाते थे, एक साइड छोड़ दो उस बात को,
मलखेड़ा छोटा सा गांव जो तीसरी कूट में था, यहां से हम जाते। पहला चुनाव मैंने लड़ा जिला परिषद का 14 नंबर जोन से। मैंने मेरा वोट नहीं लिया खुद को, 2700 वोटों से चुनाव जीत के आया मैं मलखेड़ा गांव में, 2700 वोटों से। मेरे घर कभी कोई एमएलए नहीं गया था, पहले बार जीत करके 2018 में इसी रास्ते से गुजरा था पूरा जुलूस, जैसे आप गुजर के आए हो। घर में पहली बार एमएलए घुसा, 5 साल तहसील के लोग आए, गांव के लोगों एक बात बता देना मेरे को, तहसील के मेरे पास पहली 500 आदमी आए घर में, जब मैं यहां होता था एमएलए क्वार्टर जयपुर नहीं होता, यहां होता। बताओ किसी रिश्तेदार ने आपको घर जाकर के ये कहा गया कि आपका छोरा चोर है? पूरे गांव के रिश्तेदार आते थे, पूरे गांव के रिश्तेदारों ने कभी आपको आगे ये कहा होगा कि बलवान पूरे ने हमारे साथ ये खोट कर दिया? नहीं कहा कभी। मेरे पास कोई उलाना नहीं आया गांव के लोगों, मुख्यमंत्री गांव में आए, एक चीज की कमी थी, गांव में अंबेडकर भवन स्वीकृत हो गया, गांव में स्कूल 12वीं का था उसमें हॉल बन गया, गांव में लाइब्रेरी की मैंने घोषणा कर दी, बजट दे दिया। एक चीज की कमी थी, पीएचसी खोलने की। माननीय मुख्यमंत्री गांव में आए, पीएचसी खोल के चले गए, पीएचसी का रिबन भी काट दिया, डॉक्टर भी बैठने लग गया। सुबह सुबह रोडवेज चलती है मलखेड़ा से, जिस गांव में मैरिया बस आनी बंद हो गई उस गांव में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस निकलती है। गांव के 70 मजदूर जाते हैं, 70 मजदूर शाम को वापिस आती है रोडवेज, गांव में आके खड़ी होती है, हेलीकॉप्टर उतर गया गांव में, और मुख्यमंत्री ने जाकर के कहा कि मेरा मन ऐसे लग गया जैसे मैं मलखेड़ा में पैदा हुआ हूं। मैंने सीएम साहब को हाथ पकड़ के बैठाया घाटी में, मैं कहा दो सभाएं हो रहे, दो सभाएं हो रहे, चढ़ जाओ सीएम साहब, गलियों में घूमने लग गए। ये मलखेड़ा की मिट्टी अजीब है सरपंच साहब, जो लोग यहां से जाकर के कहते हैं ना मूर्ति चौक पर कि बलवान नहीं जीतेगा, वो 4-5 लोग हैं सरपंच साहब, वो पूरी गंदगी को देश में कोई दोरा नहीं, पर वो अनाड़ी है सरपंच साहब, नादान है। वो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, मैं सरपंच का नहीं लड़ता, मैं विधायक का चुनाव लड़ता हूं। 2010 में सुनीता पंचायत समिति की मेंबर बनी, मेरे गांव के सारे साथियों ने मेरी छत पर मीटिंग थी, ये कहा कि सरपंच सुनीता को लड़ाएंगे, मैंने डिलीट मार दिया। और आज कह रहा हूं जब तक बलवान पूनिया राजनीति में, मेरे घर से कोई सरपंच का चुनाव कभी नहीं लड़ेगा। मैंने कभी सरपंच का वोट नहीं मांगा गांव में। दीपक पूनिया इसलिए सरपंच बन गया कि सारे गांव को सहानुभूति थी कि बलवान के साथ पहले दिन का, जिस दिन दीवार गिरी थी शमशान भूमि की जो नजायज निकली हुई थी, उस दिन का साथ है। गांव के लोगों ने झटके से बना दिया, दद्दू जी नाराज हो गया, बोले मारे नाम को काटियो नहीं, अरे तो महिला सीट आ गई, गांव दीपक ईबू ने बना दी, मैं क्या करूं बता, मेरा के मैं गठे मांगने गए वोट है। अच्छा थाने तो धरी, तीसरी पीडीएम चाहिए, और दीपक ने बढ़ जा मैं आगे को, कोई सागे लागे नहीं लागे, मेरे सरपंच का वोट गम में को नहीं मांगे, जा मैं को नहीं मांगू, मेरा बहुत सारा फंडा क्लियर है, मैं भादरा रेस को एमएलए जीत गई, मैंने सरकारी आवास मिला हो, मैं क्यों ना गांव में रहूंगा, मेरे गांव को कद बटू है, मारे बूढ़िया बैठे रहे चौकिए पर, मैं बैठे बैठे यहां बतलावेगा कि आज गांव में एमएलओ को नहीं, दूसरे को किया कि गड्डी को नहीं आने लागरी, एमएलओ 8 बजे गाड़ियां की लेन बनी रहे, या कलेक्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक आए इस गांव में, मुख्यमंत्री के साथ सारा लवाजमा आ जाता है राजस्थान का।
मैंने एहसास कराया इस गांव की मिट्टी को कि हमारा कद कितना बड़ा है। मैं सारे गांव से कहना चाहता हूं, लाख कमियां हैं मुझमें, पर मेरे जैसा दूसरा कोई है भी तो नहीं। मैं सीधी कहता हूं, ये मेरी कमी है, पर ये मेरी खूबी भी तो है। ये मेला इसीलिए लगा हुआ है, नहीं तो जीतते हुए एमएलए के दो साल बाद ढाई साल बाद फरकते उठ जाते फरकते। ये मेला इसीलिए, और आज कह रहा हूं गांव के साथियों, 40,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, 40,000 वोटों से। काका उशारे ना कह दियो, तेरी चेची पूरी कर ले काका, 3 तारीख ने जुलूस बही गली आओ, उशारा डिडारियन कह दियो, तेरी चेची पूरी कर ले, लकड़ी लकड़ी कर ले, स्कूल के परले छड़ कर ले, सही कोई खुली है तेरी, कोई बात हो रही, पीएससी बढ़नी है, बड़े थोड़े दिन में काम शुरू हो, गली खाली कर दो, लाइट लगाओ, सफाई करो, या मलखेड़ा महोत्सव करो, जीतेंगे। क्या कभी हमें जो हम जीते नहीं, कोई कह मिन्नू बहनी वाला होगो, कोई कह बा होगो, कुत्तों का सारा लेना छोड़ दे का दिया, ये मजदूर का हाथ है का दिया, थोड़ा इसमें है हाथ में, ये मजदूर के हाथ है का दिया, इसमें थोड़ा है। क्या खरीदेगा तू, तेरी क्या पिशाद है, क्या पीती का शोरबा, हमने मोदी और शाह से लड़ाई मोल ली है, तू क्या चीज है, तेरे ये दुपली, तेरी ये रुपली, कोड़ियों के पांव लड़ा के लड़ाए, तेरा मोदी और शाह आए थे राजस्थान की सरकार गिराने, इस छोरे ने कहा ठोक के ईट से ईट बजा देंगे, सरकार नहीं गिरेगी। पूरे देश की मीडिया आ गई मेरे से पूछ रहे कि तुम्हारे पास क्या सामान है, वो डंडा दे मेरे को, डंडा वो बोला मेरे को पत्रकार जी न्यूज का, बोले तुम्हारे पास क्या सामान है, तुम सरकार क्यों नहीं गिरने दोगे। मैंने कहा मेरे पास ये है, 250 की चपेट में आंती रेल ने दिखा देनी तो रेल रुक जा गए, लोग साहब की सरकार की रुक गई। वो पकड़े हो नहीं, मैं दिन सोगन खाई, सलाह झुकेगा नहीं, मैं दिन सोगन खाई, इसलिए मलखेड़ा के चौक में आकर के मुख्यमंत्री कह गया कि बलवान पुनिया मेरी कमजोरी है। मैंने घर आते मुख्यमंत्री से झगड़ा करा, मैंने कहा बलवान पुनिया किसी की कमजोरी नहीं है, बलवान पुनिया सबकी ताकत है, सबकी ताकत। वो मेरे फूफो दिल्लू सुनीता को फूफो है, वो कहो नहीं क्या कामरेड कह दे तो 2 घंटा भैंसी को ब्याह नहीं, वो कहो नहीं फूफे ने पूछ लो जाऊ फूफा चेयर पड़ गई है, आचार संहिता लागिन दिन 26 हो गया, गप्पो सल्टी क्योंकि पावड़ी बात करें बेटा है। पूरे गांव को एक आदमी आके दे विरोधी जगह मैंने फोट कौन दिया आते खेत है गाड़ी रखे 3 जो खोला है तुम्हें मेरे को कड़ी चलान करे मल खेड़ो नाम ले बाद में तो टांग तले कर लिख जाऊं पूछ लियो खेत है खोला है तुम्हें कड़ी चलान कौन करे हो बादरा बाईपास पर तो 5 साल में पुलिस थे देखी को नहीं तारा छोरा छोरी जगह 2004 के बाद में नौकरी लग गया बाकी बुढ़ापे की लट्ठी बढ़ने को काम करे तारा ना भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री मारी बात माननी मैं कुछ की तो लंबो भाषण दू काम ने रोज ही दू भाषण दे दो मैं कुछ सारा का सारा लोग जगह फैली अपने थोड़ा बहुत नाराज है बन कह दो बिना काम की बात ना करो वो गंदे बेली गलती मान ली क्या मैं ही बच्चे सीधो मिले करूंगा करने हूं नहीं मिल रही भी वही आंगने में काम को पड़े नहीं
ये और क्या है कि मैं फोन आप उठाई करूंगा आप पे बीच पर बुलाई उठा ली फोन यहां लोग को लोग भाई करे जगह थाना राज में मड़ाई खाई और थाना की दलाली करी आवाज नहरी है कब आप दारू का माची रही है यार आवाज नहरी है आप बार गान बतावा गोनी क्या बतावा अपने गांव की बात बाकी अपने कने दाल गले है बोली मैं कहना चाहूं बाल लोगों की बात में कोई तमी बोली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिख रहे हो मैं संविधान की रक्षा खातर बलवान पुनी और राजस्थान की शेर की तरह बोलियो शेर की तरह समाज का उत्थान समाज में बराबरी महिलाओं की बराबरी दलित की पीड़ित की आवाज राजस्थान की विधानसभा में आपा करिए मेरा कोई दलित भाई यहां उकसा के उल्टी पुलटी बात करवा के उल्टी पुलटी बात पर बिना का उकसा के फाउंडर बना के गांधी गांधी लेके गया बालो बालो शर्म आनी चाहिए अरे कहा न्याय मांगने गए थे आप और किसके साथ गए थे न्याय समाज में सोसाइटी करेगी न्याय ये सारी सोसाइटी सारा समाज बेटियों को पढ़ाओ बराबरी का दर्जा दो समाज एकदम साफ सुथरा हो जाएगा एक नजर से देखो बेटियों को इसलिए मैंने ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकारी करवाया है कि किसी की बेटी अनपढ़ नहीं रहे कम पढ़ी लिखी नहीं रहे इसलिए मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज खुलाया है शिक्षा जो आगे आएगी समाज का विकास होगा गांव में भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुला है सबसे ज्यादा दलित के बेटे बेटियों का फायदा होगा सबसे ज्यादा अरे पूरे गांव में पांच दो बच्चे नहीं होंगे दलितों के जो शांति निकेतन में अंग्रेजी माध्यम पढ़ने जाते हैं लेकिन उनके घर के पास मैंने स्कूल खुलाया है आपके बच्चे बोलेंगे गो एंड कैच फॉलिंग स्टार में भी मुझे यू बोलेंगे आपके बच्चे अगली बार जब इलेक्शन आएगा भादरा में तो ये कहेंगे फिफ्थ फ्लोर फिफ्थ रूम कोविड बलवानपुर इंटरनेट फ्रोशिपियम नेक्स्ट इलेक्शन अंग्रेजी में बात करेंगे ना पांचवी बारी कामरेड खड़े हुए सीपीएम इन कहीं जीता वो कहां पर अंग्रेजी में बतला रहे अंग्रेजी में खड़े हो गया जी गम में बतला कर इनके गुरु जीता हो गया भगवान कोई चौखा माहौल देखो अरे मानस देखे होते सात दिन के दाग अरे रामगढ़ी हम देखा कल दरीब लड़न देखा पढ़ लिखे हम देखा मैं तो कू सारा दिन मैं कभी कमरे में कोई साथी आया मिलने में और कोई आयो मेरे कहने आप जो चुनाव को कह रहे हो मैं कह 500 आदमियों रोज मिले हूं 500 लोगों ने फोन चके हैं एक एक कंटा पकड़ पकड़ के काटे हैं लोगों ने एक एक कंटा मैं जगह जगह लोगों ने काम आयो जगह कंटा काटे हैं वे लोग चुनाव में चाल पड़ा और ऐसा चाल पड़ा 22 तारीख ने रैली होगी इशार बाईपास पर जगह तय कर दिए रैली में 1,00,000 मानस लुगाई हुए ना 1,00,000 और मैं कौन लिखे डालो थाने सारा ट्रैक्टर ट्राली पर चढ़ो पड़ेगा थारे गम में जगह साधन में लोग खोस ले जाए तार करूं क्या हमारे साधन मिले को थे बेचो थाने सारा ट्रैक्टर ट्राली पर चढ़ो पड़ेगा साधन को लेकर बाबू जी कह गए थाने फिर वे बाबू जी यहां कह दो लास्ट में क्या चुनाव नहीं देखा इसी खींचादारी को देखिए सिद्धो किशोर को है कि मैं फोन ही चकली करूंगा मैं सिद्धो ही मिलूंगा मैं बीच में कह नहीं खोलियो नहीं अच्छा बड़ो दोरो रस्सी चल गई बड़ नहीं गया अभी दशहरा वाला दिन देखियो मैं पैर पर पैर रखियो तुम तो पैर राम रूमी पैर हुई करे या राम रूमी गए पैर कर दिया ठीक एक वोट डाल दे दियो दत्ती थोड़े सितारे पर बटन दबा दियो सारे गांव के लोगों ने कहना चाहूं मेरी तो शहर में दो मीटिंग है थे घर घर वोट मांगो गरीब ने आके दियो थारो गोल दानो खान कौन दियो आके कौन खान दियो विधानसभा में बोलूंगा दलित की गरीब की आवाज उठाऊंगा किसान की आवाज उठाऊंगा सारो कैंप भादरा तला शहर की मीटिंग में थारो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक तो